हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है जीके ज्ञान कैप्सूल। इसमें मैं आपके लिए जीके के कंटेंट लेके आऊंगी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 5 लेके आई हूँ। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आएगा मेरा ये चैनल तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी मैं आपके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मई मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 7 में की थी, ये 8 से 18 में है और उसके आगे वाले वीडियो में 18 से आगे की होंगी। आप सुन देख लीजिएगा पॉज करके, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है तो बाकी आसानी से समझ आ सके। चलिए अब एक बार मैं इसका क्विक रिवीजन कर लेती हूँ। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे होता है, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे भी इसी दिन होता है, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण 4 प्रकार के कोरोना वायरस कौन से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट 4 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट ह्यूमन कोरोना वायरसेस हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और फेविपिराविर जो मेडिसिन है के क्लिनिकल परीक्षण के लिए किसको मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो मंजूरी दी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने CSIR को दी है। और फ्रेंड्स, ये CSIR ये 2 ड्रग्स पे टेस्टिंग करेगा, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और फेविपिराविर। और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स नाम से पता चलता है फाइटो मतलब प्लांट और फार्मास्यूटिकल्स मतलब ड्रग, तो ये हर्बल ड्रग होगी। और फेविपिराविर जो है वो एक एंटी इंफ्लुएंजा ड्रग है जो जापान और चाइना में काफी यूज हो चुकी है, तो अब ये कोरोना के ट्रीटमेंट में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा CSIR द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम है जिसे एंट्री गेट कहा जा रहा है COVID-19 का ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो फ्रेंड्स, ये एंजाइम है F2 एंजाइम, तो इसको एंट्री गेट कहा जा रहा है कोरोना वायरस का ह्यूमन बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, F2 एंजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो F2 एंजाइम है वो एक स्टडी से पता चला है कि इनको मन में ज्यादा होते हैं चाहे कि वुमेन्स के, और साथ में जो लोग जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसमें ये ज्यादा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लोग हैं इसमें अगर इन एंजाइम के कंटेंट ज्यादा होती है, लेवल ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं COVID-19 के लिए। F2 का जो फुल फॉर्म है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये जो आउटर सरफेस में होता है लंग्स के, हार्ट के और किडनी के। और फ्रेंड्स, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, रेगुलेट करना अमीनो एसिड्स का। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और ये क्या करता है, जो बड़ा प्रोटीन होता है उसे काट के वो सप्लाई करता है बॉडी को। तो जब COVID-19 इसमें एंट्री कर जब फ्रेंड्स COVID-19 का जो प्रोटीन है वो एंट्री करता है, तो ये F2 जो प्रोटीन लेता है उसके बजाय ये COVID-19 का प्रोटीन ले लेता है। तो उसको लेने की वजह से क्या होता है, ये सेल के अंदर से खींच लेता है। अब सेल के अंदर जैसे खींचता है वायरस एंट्री कर जाता है, रेप्लिकेट करने लगता है, टूटने लगता है, अलग अलग उसमें पार्ट्स बनाने लगता है, और F2 का जो नॉर्मल फंक्शन होता है प्रोटीन लेने का, बॉडी को देने का, तो वो फंक्शन ब्लॉक हो जाता है इस वायरस के वजह से, और इसीलिए इसको एंट्री गेट कहा जाता है। F2 एंजाइम को एंट्री गेट कहा जाता है COVID-19 के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNC टेट की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण जो ग्लोबल ट्रेड है 2020 की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत तक गिर गया है? तो फ्रेंड्स, ये गिर गया है 3% तक, तो 3% तक ग्लोबल ट्रेड जो है फर्स्ट क्वार्टर में गिर गया है UNC टेट की रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग के लिए COVID-19 हर्बल सैनिटाइजर टनल बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया है IIT कानपुर ने, और IIT कानपुर ने एलिमको के साथ मिलकर, आर्टिफिशियल लिम्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये हर्बल सैनिटाइजर टनल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने $1 बिलियन का लोन इंडिया को दिया है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से $1 बिलियन लोन इंडिया को दिया है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 2000
20 को कोविड-19 का दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग हुई, वो कोविड-19 के ऊपर, वो किसके द्वारा इनिशिएट की गई? तो फ्रेंड्स, ये इनिशिएट की गई सऊदी अरेबिया द्वारा। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग, जो सेकेंड मीटिंग थी ऑन कोविड-19, वो इनिशिएट की गई थी सऊदी अरेबिया द्वारा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए RTB-PCR टेस्ट करने के लिए खरीदी गई पहली पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, ये हाई एंड जो कोविड-19 RTB-PCR टेस्ट करने के जो मशीन खरीदी गई है, उसका नाम है COBUS 6800। तो याद रखिएगा, COBUS 6800 मशीन जो है RTB-PCR टेस्ट करने के लिए ली गई है कोविड-19 के लिए, और ये पूरी ऑटोमेटेड मशीन है, हाई एंड मशीन है, और इसमें 24 घंटे में 1200 सैंपल टेस्ट हो जाते हैं, और प्रेजेंट में ये इंस्टॉल की गई है नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल जो कि दिल्ली में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डॉक्टरों ने रिपोर्ट किया है कि बच्चों में कावासाकी और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोविड-19 से जुड़ी हो सकती है? तो फ्रेंड्स, ये दोनों डिजीज, कावासाकी और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है, कोविड-19 से जुड़ी हो सकती है, ये इटली के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 2020 के मध्य की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत का विकास दर क्या होगी? तो भारत की विकास दर जो UN की रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से 1.2% होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 32 मीटिंग ऑफ कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर हुई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस से, इसका टॉपिक क्या था? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई, उसका टॉपिक था डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ फेयर कोविड-19 रिस्पॉन्स, 32 मीटिंग ऑफ कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, उसका जो टॉपिक था वो ये था, डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रोबोटिक सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस ने भारतीय रोबोटिक सॉल्यूशंस के साथ मिलकर थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है, और फ्रेंड्स, ये जो है फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों का एक साथ टेम्परेचर देखा जा सकता है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस से, और इससे ये पता चल सकता है कि अगर फीवर है तो मे बी वो कोरोना पॉजिटिव हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का वह पहला कौन सा देश है जिसने आधिकारिक तौर से अपने को कोरोना वायरस प्रकोप मुक्त घोषित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया यूरोप का वह पहला देश है जिसने ऑफिशियली अपने को कोरोना वायरस फ्री बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने कोविड-19 डेस्क बोर्ड विकसित किया है जिसका नाम MIR-AHD कोविड-19 डेस्क बोर्ड है? तो फ्रेंड्स, बनाया है IIT गांधीनगर में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन का कितना प्रतिशत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के खिलाफ डोनेट करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी सैलरी का 30% एक साल के लिए वो कोरोना फंड में देंगे, कोरोना रिलीफ फंड में देंगे। और फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति की मासिक वेतन है वो है 5 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने आई फील यू ब्रेसलेट बनाया है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करने के लिए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इटली ने। इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट बनाया है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो कर सके। फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई चैनल GK ज्ञान कैप्सूल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।